नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ योगिता, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बोल्ड स्काई में। आजकल के समय में नौजवानों में भी घुटने के दर्द के मामले सामने आ रहे हैं। इस समस्या का सामना 25 से 23 साल के युवाओं को काफी ज्यादा करना पड़ रहा है। खासकर सीढ़ियाँ चढ़ने और उतरने के दौरान, उकड़ू बैठने या घुटने टेकने और लंबी दूरी तक गाड़ी चलाने के दौरान, घुटनों में दर्द के साथ ही चलते या बैठकर खड़े होने पर घुटनों से आवाज आने की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। कई बार लोग घुटनों से आवाज आने की समस्या को काफी आम समझ बैठते हैं, लेकिन किसी गंभीर बीमारी का कारण भी हो सकता है। आइए जानते हैं इस बीमारी के बारे में। एक्सपर्ट्स का कहना है कि घुटनों में से आवाज आने की समस्या को कॉन्ड्रोमलेशिया पैटले कहा जाता है। इस स्थिति में घुटने की कैप, जिसे नी कैप कहा जाता है, इसमें अंदर की तरह कार्टिलेज में मुलायमपन आ जाता है, जिससे घुटनों में आगे की तरफ दर्द होता है। कॉन्ड्रोमलेशिया पैटले में नी कैप जांग की हड्डी, जिसे फीमर कहा जाता है, उसके ऊपर चढ़ जाती है और घिसने लगती है, जिसके कारण कॉन्ड्रोमलेशिया पैटला में रनर्स नी की समस्या होती है। चलिए बात करते हैं इस बीमारी के लक्षण के बारे में। घुटनों के सामने या साइड वाले हिस्से में दर्द होना। कई बार दर्द इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जमीन पर बैठने और सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत होती है। घुटनों को हिलाने पर आवाज का आना, घुटनों और जोड़ों में सूजन आ जाना। चलिए बात करते हैं अब कारणों की। मांसपेशियों का कमजोर होना, पैरों को बाहर और अंदर की तरफ घुमाने के लिए जिम्मेदार मांसपेशियों में असंतुलन होना, दौड़ते कूदने के कारण घुटनों के जोड़ों में तनाव आना, नी कैप में चोट लगने के कारण वह अपनी जगह से हट सकती है, जिस कारण भी कॉन्ड्रोमलेशिया पैटला की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।